आखिर कौन है जवाहर सिंह बेडम? जवाहर सिंह बेडम ने कांग्रेस प्रत्याशी को 1531 वोटों से के अंतर से हराकर पहली बार विधानसभा पहुंचे, उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया गया है और पहली बार ही तोहफा जवाहर मैडम को मिल गया है। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्व बहुमत मिला। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ लेने के बाद भी नजरें मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हुई थी और उसके बाद लगातार मंत्रिमंडल का नाम आने के सामने आने के बाद लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे किसको कौन सा मंत्री पद मिलने वाला है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया और 12 विधायकों को कैबिनेट मंत्री में रखा, 5 को राज्य मंत्री में रखा और 5 को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार ने भरतपुर जिले से अलग से ही डीग जिला बनाया था। इसी बार वो जिला बना था तो नवगठित डीग जिले के नगर विधानसभा सीट से जवाहर सिंह बेडम पहली बार जीत कराए। पहली बार उन्होंने, दूसरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो पहली बार जीत कराए और पहली बार में ही वो मंत्री बन गए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार में भजनलाल शर्मा के राज्य मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाए जाने के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के समर्थक ढोल नगाड़े पीट कर और खुशियां लगातार मना रहे थे। वहीं ये अब देखने की बात ये होगी, हमें समझने की बात ये होगी कि क्या जवाहर सिंह बेडम को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, वो मंत्री बन गए। इसके बाद क्या कुछ लगता है कि सभी गुज्जर वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है? कहीं ना कहीं ये देखा भी जा रहा है कि मंत्री जवाहर सिंह बेडम का जन्म 1 सितंबर को हुआ, 1968 को डीग जिले के बेडम गांव में हुआ। जवाहर सिंह बेडम के पिता का नाम है था समंदर सिंह और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के पास BA और LLB की डिग्री थी, मतलब पढ़े लिखे थे। पेशे से व्यापारी और वकील थे। वह पहली बार 1996 में जो बाजुओं के जो जिला था उसके उपाध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1998 तक जिला उपाध्यक्ष के पद पर बेडम रहे और इसके बाद जवाहर बेडम 1995 से 2000 तक पंचायत समिति के सदस्य रहे। उसमें उसके बाद 2000 से लेकर 2005 तक जिला परिषद के सदस्य रहे और साल 2011 से साल 2016 तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2012 से 2017 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और कार्य समिति में सदस्य रहे। राज्य मंत्री जवाहर बेडम बीजेपी की वसुंधरा सरकार में डांग विभाग बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता है। साल 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी से मिली थी हार इनको दूसरी बार, जब चुनाव इन्होंने पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम। साल 2018 में भरतपुर जिले की कामा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और जवाहर सिंह बेडम को कांग्रेस की जाहिदा खान ने 40,000 वोट से अधिक वोट से हराया था। लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नगर विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनाव के मैदान में बेडम को उतारा और उसका नतीजा इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर मिल गया। पहली बार विधानसभा चुनाव में जवाहर सिंह बेडम को इस तरीके से उतारा गया, इस तरीके से समीकरण देखे गए। नगर विधानसभा सीट में विधायक बनी जवाहर सिंह बेडम, कुल 75,579 वोट इनको मिले थे। वहीं कांग्रेस के जो वाजिब अली थे उनको 74,048 वोट मिले थे। जवाहर बेडम के बीच में और उनके बीच में 1531 वोटों का ही फासला था। शनिवार को जो मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तब बेडम को जब शपथ दिलाई गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से गुज्जर वोटर्स दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस से गुज्जर वोटर्स नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी को अपना ये गेम तो यहाँ पर खेलना जरूरी था। और नाराज क्यों है ये आप सब वाकिफ है, क्योंकि सचिन पायलट के लिए उनको पहले तो ये बताया गया कि आपको जो जनप्रतिनिधि है, आपका जो कैंडिडेट है, आपके जो नेता है, उनको बड़े पद पर देखने को मिलेंगे, उनको मुख्यमंत्री नहीं, उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो वो उस विश्वास पे उन्होंने देखा, पिछले 5 साल जो हुआ वो गुज्जर वोटर्स ने देखा। तो कहीं ना कहीं गुज्जरों के साथ जो नाइंसाफी कांग्रेस ने की, गुज्जरों को जो धोखा देने का जो काम किया, गुज्जरों को जो बरगलाने का या जो दिखा के कुछ और करने का जो काम कांग्रेस ने किया, कहीं ना कहीं उस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है। पहले
जिस तरीके से आप बेड़म को साफ सुथरी छवि वाले नेता को पहली बार जो विधायक चुने गए, तो कहीं ना कहीं ये भी मैसेज जा चुका है कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण सामने ला रही है, भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाकर, नए नए मंत्रियों को, नए नए विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल कर जो मैसेज इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उससे ये सामने आ रहा है कि इस बार जो गुज्जर वोटर्स है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर वोटर्स को खुश कर दिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये टारगेट किया गया है। अब देखने की बात ये होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कुछ समीकरण है वो रहने वाले हैं, बहुत अहम ये चीज हो जाती है। साल 2018 में भी कांग्रेस के प्रत्याशी से इनको हार मिली थी, ये पहले भी हमने जिक्र कर चुके हैं। दूसरी चीज ये भी देखने को मिलती है कि अब जिस तरीके से जवाहर बेड़म बहुत दम रखते हैं अपने आप में, ये ऐसा देखा गया कि पहली बार जवाहर बेड़म चुनाव जीते हैं और दूसरी बार ही चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन कई बार होता है कि विधायक बनना और असल में राजनीति का ज्ञान होना और अपने आप में दम रखना और जनता के बीच अपनी पहचान रखना, कहीं ना कहीं उन नामों का अगर जिक्र करें तो जवाहर बेड़म का नाम सामने आता ही है। ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में, लोगों के बीच में इनका खूब वर्चस्व है, जनता इनको पसंद करती है और अब ये पूरी तरीके से मुद्दे हैं वो आगे उठाने वाले हैं। और जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर वोटर्स को टारगेट किया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये गले का फंदा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को तो राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है, तो अब गुज्जर वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं है, तो इस चीज का फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को, नए विधायक को मंत्री बनाकर और बहुत अच्छा मैसेज है वो दे दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कि अब गुज्जर वोटर्स की जो नाराजगी है वो दूर हो चुकी है और किस तरीके से आगे जवाहर बेड़म राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान के लिए क्या काम करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहां आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहां पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।